पाठ सात, बीरबल की तीरंदाजी। एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था। अकबर बीरबल की तारीफ सुनकर सारे दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। एक दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो, अगर तीन कमान पकड़कर तीरंदाजी करनी पड़े तो हाथ पांव फूल जाएंगे। यह बात सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम दरबारियों को अपने अचूक तीरंदाजी का कमाल दिखाओ। सबने सोचा आज तो बीरबल फंस गया, पर बीरबल कहां हार मानने वाला था। बीरबल ने कहा, हुजूर मैं साबित कर दूंगा, मैं बातों के साथ साथ अच्छा तीरंदाज भी हूँ। सभी दरबारी अकबर एवं बीरबल मैदान में जा पहुंचे। बीरबल के हाथों में तीर कमान दिया गया और दूरी पर लक्ष्य रखा गया। निशाना साधने को कहा गया। बीरबल ने पहला तीर चलाया तो निशाना चूक गया। वह तुरंत बोला, यह थी बादशाह के साले जी की तीरंदाजी। बीरबल का दूसरा तीर भी चूक गया। इस पर बीरबल बोला, यह है राजा टोडरमल की तीरंदाजी। बीरबल का तीसरा तीर सही निशाने पर लगा। तभी बीरबल गर्व से बोला, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। वे समझ गए कि बीरबल ने यहां भी बातों में तीरंदाजी से सबको हरा दिया।